हेलो फ्रेंड्स, अंजुल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल बैंगन का भरता। आप इसे रोटी, पराठे, भाखरी, थेपला या चावल की रोटी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। पंजाबी स्टाइल बैंगन का भरता बनाने के लिए एक बैंगन लेंगे और ये चार टमाटर। सबसे पहले तो बैंगन को ऐसे बीज से कट कर देंगे। देखिए, इस बैंगन में सीड बहुत कम है और अब इसे पका लेंगे। ये सारा पक गया है और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो गया है और इसके छिलके निकाल देते हैं। और ये बैंगन को अच्छे से चेक कर ले। और इसे थोड़ा मैश कर लेंगे। देखिए हो गया है। और अब एक कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, जीरा और अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। और साथ में डालेंगे दो बारीक कटा हुआ प्याज और ये ग्रीन चिली। अगर आपके घर बच्चे खाने वाले हैं तो आप ग्रीन चिली अवॉइड करें। बस इसे एक से दो मिनट भूनेंगे और इसी के साथ डालेंगे ये हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन का ऊपर का पार्ट, वो गार्लिक का ऊपर का पार्ट। और ये कसा हुआ अदरक, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये धनिया पाउडर और ये रेड चिली पाउडर। बस इसे एक मिनट भूनना है। मैं ग्रीन चिली डाली हूँ इसीलिए रेड चिली थोड़ा कम डाली हूँ। और अब ये बैंगन टमाटर इसमें ऐड करेंगे और ये नमक और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसे ढककर एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। दो मिनट हो गया है। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और ये है हरा लहसुन और ये है कश्मीरी मिर्च और ये हरा प्याज। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे ढककर एक से दो मिनट और भूनेंगे। दो मिनट हो गया है। मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छी शाइनिंग रहे। और लास्ट में मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और ऐड कर रही हूँ। ये मेरा पंजाबी स्टाइल बैंगन का भरता तैयार है। चलिए सर्व करते हैं।
गर्मा गर्म पंजाबी स्टाइल बैंगन का भरता तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी बाय।